ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत यूजफुल है, तो मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से पूरा वॉच कीजिएगा मेरे वीडियो को, तो आप लोग को पता चलेगा बहुत यूजफुल है, मैं खुद करके देखती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब लोग ठीक होंगे। मैं आज वो किचन जा रही हूँ, किचन क्लीनिंग का लेकर आ रही हूँ आप लोग के, आप लोग से शेयर कर रही हूँ ब्लॉगिंग। ये जो हमारा बर्नर है गैस का, तो खराब हो जाता है कम, कोई मतलब कि जो होल है उसमें जाम हो जाता है, तो जाम होने की वजह से हमारा पूरा प्रॉपर से नहीं जल पाता है, हमारा गैस भी खर्च होता है। इसी के वजह से मैं जब कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक ब्लॉग बना ले प्रॉपर और आप लोग से शेयर कर दूँ। तो ये बहुत यूजफुल है, बहुत मतलब बहुत यूजफुल है, इसके लिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मैं शेयर नहीं करती। तो मैंने सोचा कि चलो पहले यहीं से चालू करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद जरूर आएगा, क्योंकि क्योंकि देखिए हम क्या, वो हम हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को तो ये सब आनी ही चाहिए। हम बार बार बुलाते हैं क्लीन कराने के लिए, तो हम घर पे ही क्लीन कर लें। तो इसमें सबसे पहले हमने गर्म पानी डाला है, जैसे गर्म पानी क्या खौलते हुए हमारा तीन बर्नर है, इसके वजह से हमने इसमें लिया है। अब हमारे घर पे तो नींबू रहता ही रहता है, तो इसको हम नींबू निचोड़ लेंगे अच्छे से। ये हमारा नींबू हो गया है, क्योंकि मैं जब खाना पका रही थी तो अच्छे से वो जो है मेरा बर्नर काम नहीं कर रहा था, इसके वजह से मैंने सोचा कि क्लीन भी ज्यादा दिन हो गया था करके मुझे, तो कोई बात नहीं, तो चलो मैं क्लीन भी करती हूँ और आप लोग से शेयर करती हूँ। एक पैकेट इनो लेना है, अब इसको ना धीरे धीरे कर करके आपको डालना है। एक मिनट, मेरा ये नहीं हुआ है, देखिए ये धीरे 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 करके ना इसमें डालना है। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, ये देखिए कैसे झाग आ गया मेरे, ये देखिए। मैं करती हूँ, अगर आपका पीतल का होगा तो ये पूरा येलो कलर दिखेगा, अगर पीतल नहीं होगा, ब्लैक कलर का होगा तो क्लीन हो जाएगा। मेरा पीतल नहीं है तो मेरा ब्लैक ही कलर है, तो भी मेरा क्लीन। मैं आप लोग से दिखाती हूँ, इसको ना करके 5 मिनट तक, ये फेंकना नहीं है नींबू का इसको, ये बहुत काम की चीज है, मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ। अबे हमारा 5-10 मिनट के लिए हम ढक देंगे, अच्छे से हो जाएंगे। जब पानी हमारा ठंडा हो जाएगा उसके बाद से हम इसको निकालेंगे, तब तक बने रहिए हमारे वीडियो। अब यहाँ मैं आ गई हूँ अपना क्लीन करने के लिए बर्नर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिश वॉश लूँगी, क्योंकि मेरे पास ना जेल नहीं है, तो मैं सोप ले लूँगी और उसे मैं अच्छे से ब्रश के हेल्प से मैं क्लीन करूँगी। ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। अपना गैस, इसमें मेरा गैस भी कम लगता है, अगर धीमा जलता है या कहीं पे वो ब्लॉक हो जाता है तो अच्छे से नहीं काम करता है। देखिए कितना गंदा पानी निकला है, कितना गंदा। अब यहाँ पे मैं अच्छे से जो नींबू काट के रखी थी इसमें डालने के लिए, वो उस नींबू के हेल्प से मैं थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर तो अगर और ज़्यादा गंदा है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये क्लीन हो गया है, अब इसको मैं साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी। मैं यहाँ पे एक साफ़ कपड़े से लेकर उसको, पहले साफ पानी से हमने धो लिया था, उसके बाद से साफ़ कपड़े लेकर मैं इसको अच्छे से पोंछ दूंगी, क्योंकि सूखना भी बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे से जलता नहीं है। तो इसको मैं पोंछ कर अच्छे से क्लीन करके मैं आप लोग से जलाकर दिखा रही हूँ। ये बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ईजी है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत यूजफुल है। अब आपके पास ना पिन होगा या टूथपेस्ट होगा तो
तो वैसे ऐसे ना आपको करना है, सिर्फ इसको ना ऐसे टूथपिक लेकर ऐसे ऐसे आपको अच्छे से क्लीन कर देना है। अगर जहां आपको लगे कि हमारा इसे तो अच्छे से क्लीन हो चुका है, एक अपना तसली के लिए बस। अब मैं यहाँ पे अच्छे से उसको क्लीन करके मैं अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि वो कभी कभी जाम हो जाता है ना, तो ऐसे तो क्लीन हो ही जाता है, लेकिन अपने मन के शांति के लिए एक बार आप लोग ज़रूर कीजिए। फिर मैं अच्छे से वहाँ पे धो लूँगी, धोने के बाद से मैं एकदम ड्राई होने के लिए मैं अच्छे से तब तक उसको अच्छे से कपड़े से धो लिया। मैं यहाँ पे सब लगा दूंगी आकर, आप लोगों को मैं जला कर दिखा रही हूँ कितना क्लीन। पहले मेरा मतलब ऐसे ऑरेंज कलर में आग निकल, जब जलाती तो आग निकलता, भी देखिए पूरा ब्लू कलर में दिख रहा है। देखिए कितने अच्छे से अभी हमारा चारों तरफ जो भी था सब जलने लगा है, बहुत अच्छे से जल रहा है। हमारा गैस भी एकदम मतलब एकदम स्लो स्लो ऐसे आ रहा था इसका, अभी बहुत तेज आने लगा है, इसका कलर भी वही आ गया। तो हम यहाँ पे ऐसे तवा रखेंगे, क्योंकि तवा में देख रहे हैं ना कितना चिपचिप है, ऐसा तिल तिल पूरा चिपचिप है तवा पूरा, कितना भी साफ कर लो चिपचिपाहट नहीं जाती है, क्योंकि आजकल आलू पराठे ये सब बनाना पड़ता है। मैं भी सब चेक कर रही हूँ अभी, ये हमारा अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से सब हो गया है। देखिए एकदम इसका तेज जल भी रहा है। अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दिए, एकदम नाम की पानी डालेंगे, एकदम स्लो पे। जो मैं नींबू काट के रखी थी इसको हम थोड़ा सा डिश वॉश लेंगे। मेरे पास जैसे आपको आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे पास अभी जेल खत्म हो चुका है, तो हम इसके हेल्प से थोड़ा थोड़ा वही थोड़ा सा डिश वॉश लेकर सोप सोप है, तो मैं इसको ना धीरे 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 करूँगी। ऐसे तो इसकी चिकनाहट सब बोलते हैं ना कि नींबू से हट जाती है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अगर हमारा तावा ज़्यादा ही गंदा पड़ा है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि तावा गंदे मतलब थोड़ा भी गंदे नहीं रखना चाहिए, तावा से भी जुड़ी बहुत कहानियां हैं। तो हमारा दोनों काम हो गया, इसका गैस का भी और इसका तावे का भी। मैं अब आ गई हूँ अपना तावा साफ करने के लिए, क्योंकि आजकल तो पता ही है विंटर में क्या खाली सिर्फ आलू पराठे गोभी पराठे यही सब सबके घर पे चल रहा है, तो क्या होता है ना वो एकदम कितना भी साफ कीजिए तो चिपचिपाहट हो ही जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लो फ्लेम पे हम तावा रख के इसको अच्छे से पहले नींबू और जो डिश वॉश होता है उसको। हमारा तावा देखिए पूरा क्लीन हो चुका है, और पूरा जो चिकनाहट था वो सारा खत्म हो गया, पूरा चिकनाहट खत्म हो गया। अभी क्या अभी इस टाइम ना थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं कर रही हूँ, 15-15 दिन पर तावा का कर रही हूँ, तो अब मेरा धीरे धीरे सब हो जाएगा क्लीन। पर देखिए पूरा मतलब थोड़ा भी चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल सही हो गया है। तो ये केक लिखा है।